नमस्कार दोस्तों, इंस्पिरेशन एकेडमी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति के अगले भाग को देखेंगे। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्मा लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यधिक घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए, अति सर्वत्र वर्ज्यते। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सा जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।